राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद इंतजार है 4 जून को आने वाले चुनावी नतीजों का। सभी सियासी दल प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में जीत तो किसी एक की होगी। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि इस लोकसभा चुनाव में पिछले करीब 5 लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 5% कम वोटिंग हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है और चुनाव में जब कम वोटिंग होती है तो फायदा किसको होता है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान के कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। सिरसा सीट पर 69.1% वोटिंग हुई है। अंबाला की बात करें तो 67% के करीब वोटिंग यहां पर हुई है। कुरुक्षेत्र में 66.3% यह आंकड़ा रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ में 65.3%, हिसार में 64.7% और रोहतक में भी 64.7% ये मतदान का प्रतिशत रहा है। करनाल में 63.2%, सोनीपत में 62%, गुरुग्राम में 60.7% और फरीदाबाद में ये आंकड़ा 60% के अराउंड रहा है। तो 10 सीटों पर कहां कितना वोटिंग प्रतिशत है, ये किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, ये तो 4 जून के नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये चर्चा बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर इस तरह का वोट प्रतिशत आया है पिछले 2 चुनावों के कंपैरिजन में, अगर हम कम वोट प्रतिशत की बात करें तो अभी तक तो सबसे बड़ा कारण उसका गर्मी ही नज़र आ रहा है कि हीट वेव बहुत ज़्यादा थी तो मतदान नहीं के लिए लोग नहीं पहुँचे। लेकिन उसके अलावा क्या कुछ फैक्टर्स रहे, इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में 2024 के साथ पिछले चुनाव का मतदान प्रतिशत, 2024 के साथ साथ आप ये भी समझिएगा कि पिछले चुनाव में कितना वोटिंग प्रतिशत था। हरियाणा में मतदान का प्रतिशत 2004 से हम देखिए आपको बता रहे हैं, 2004 में 66.72% वोटिंग हुई, 2009 में 67.49% वोटिंग हुई। आंकड़ा सबसे ज्यादा अगर पिछले सालों का हम निकाल कर देखें तो 2014 और 2019 में बंपर वोटिंग हुई थी। 2024 में आंकड़ा फिर से डाउन हुआ है, 5% के करीब वोटिंग कम हुई है। तो ये आप 2004 से लेकर 2024 तक का वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं हरियाणा का। ये हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, प्रतिशत आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2004 से 2024 के बीच कैसे पिछले इन सालों में वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनावों के कंपैरिजन में इस बार काफ़ी कम नज़र आया है। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव के मतदान में किन जिलों में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, इसको भी थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। यमुनानगर में 70.6% वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा मतदान वाले जो ज़िले रहे हैं वो आपको हम बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा यमुनानगर, फतेहाबाद और सिरसा में प्रतिशत सामने आया है। मतदान का जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटाइल जो है, वो ज़्यादा यमुनानगर, फतेहाबाद और सिरसा के इलाकों में दिखा है। सिरसा, पलवल, महेंद्रगढ़, इन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज इन कंपैरिजन टू अदर्स थोड़ा बेहतर दिखाई दिया है। यमुनानगर में 70 के अराउंड ये आंकड़ा रहा, फतेहाबाद में भी 69% रहा, सिरसा में 67.9% ये आंकड़ा रहा है। तो जिन जगहों पर कम मतदान हुआ है उसको भी थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, फरीदाबाद में सबसे कम हुआ है मतदान, 55 के अराउंड ये आंकड़ा रह गया। सोनीपत में भी कम वोटिंग हुई है, 59 के करीब आंकड़ा रहा है। करनाल में कम वोटिंग हुई है। फरीदाबाद सबसे पिछड़ा है इस पूरे, अगर हम सभी इलाकों का एक एनालिसिस करते हैं, सबसे कम मतदान फरीदाबाद में हुआ है। और देखिए, चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और ऐसे में प्रतिक्रियाएं भी जोर पकड़ रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार आपको उनकी प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। मतदान के कई सिस्टम हो सकते हैं। भयानक गर्मी, कोई छोटी गर्मी तो नहीं थी, पीक की गर्मी थी। महिलाएं भी, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे नहीं रह सकते घर में, अगर आ भी जाते हैं फिर वापस जाना पड़ता है इतनी गर्मी के अंदर लाइन के अंदर खड़े। कई कारण हो सकते हैं, परंतु लोगों ने जो बाहर निकल करके वोट दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं और शांतिपूर्ण मतदान हुआ है उसके लिए धन्यवाद। कहीं 5% कम है, कहीं 4% कम है, वो क्योंकि एक तो गर्मी बहुत थी और लोगों जो कई जैसे वोटर लिस्ट में जो है ना, बहुत सारे जो डेड थे उनके भी नाम थे,
पता किया ना अपने गांव में, जो कई तो मरे हुए उनके नाम रखे, कोई 5 साल पहले मर गया उसका भी वोट रिपोर्ट बनी हुई थी, कोई छोड़ गया उसकी भी वोट बनी हुई थी, इस प्रकार से था। बाकी कोई ऐसी बात नहीं। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी और इसको लेकर अब 4 जून के नतीजे का इंतजार सभी को है। सभी पार्टियां अपनी अपनी अपेक्षाएं रखी हुई हैं कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, क्या पिछले दफ़ा का जो प्रदर्शन रहा है वो बीजेपी दोहरा पाती है, या फिर कांग्रेस पार्टी किन किन सीटों पर जो मजबूती का दावा कर रही है उसमें वो बेहतर परफॉर्म कर पाती हैं, या क्या ये आंकड़ा रहता है, ये तो फिलहाल 4 जून के नतीजे बताएंगे। लेकिन चुनाव बेहद दिलचस्प है इस बार, कई सीटों पर बड़े कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, कई सीटें साफ तौर पर जो है क्लियर दिखाई दे रही हैं कि सीटें फलां पार्टी को चली जाएंगी। लेकिन इसी बीच ये अब की बार का जो चुनाव की दिलचस्पी है ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्या फिलहाल ये जो आंकड़े सामने आए हैं, वोटिंग परसेंटाइल सामने आया है, क्या सच में अफेक्ट डालेगा या फिर कौन से मुद्दे हावी रहे हैं, इन सारे समीकरणों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अमित नेहरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अमित जी आपका बहुत स्वागत है। अजय मल्होत्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी आप ही का मैं रुख कर लेती हूँ। पिछले दो चुनावों की अगर हम बात करें तो जो बंपर वोटिंग हुई थी 70 के करीब जो आंकड़ा रहा था, सीधे तौर पर बीजेपी को इसका फायदा मिला था। लेकिन अब कांग्रेस भी ऑप्टिमिस्टिक है, वोटिंग परसेंटाइल उस तरह से नहीं सामने आया लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ती चली जा रही हैं। अमित जी देखिए, उम्मीद रखना तो हर पार्टी का विशेषाधिकार है, वो रखें अच्छी बात है। लेकिन पहली बात तो मुझे यही लगता है कि जो भयानक गर्मी है वो सबसे बड़ा कारण रहा है। एक ये है कि आखिरी चरणों में मतदान हुआ है। पिछली बार आपने देखा होगा तो शुरुआती चरणों में हरियाणा में मतदान हो गए थे, उस टाइम इतना गर्मी विकराल रूप नहीं लेती थी। एक ये भी हो सकता है कि उदासीनता वोटर्स की, भाई क्या करना है, वोट दे के व्यवस्था तो ऐसी रहनी है, तो एक ये भी मामला हो सकता है। हाँ, जो आपने बताया सिरसा में बंपर वोटिंग हुई है, तो सिरसा का आप अगर इतिहास देखेंगे, वोटिंग पैटर्न देखेंगे, तो वहाँ काफी अच्छी वोटिंग होती आई है शुरू से ही। यमुनानगर में ज्यादा वोटिंग होना चौंकाता है वाकई में, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा आईब्रो रेज होती है, क्योंकि सिरसा का अगर देखोगे 2014 में मेरे ख्याल से मल्होत्रा जी बैठे शायद विधानसभा थी या लोकसभा थी, तो लगभग हर क्षेत्र में 80% से ऊपर हुए थे, 85 भी, 90 तक भी, 92 तक भी हुआ था वहां पे मतदान। तो वहां कोई अननेचुरल नहीं कहा जा सकता सिरसा में ज्यादा मतदान होना। हाँ, यमुनानगर में अगर ज्यादा मतदान हुआ है तो चौंकाता है। दूसरी बात आई गुड़गांव और फरीदाबाद में, यहाँ लोएस्ट मतदान आप कह सकते हैं। लेकिन लोएस्ट मतदान का मतलब ये नहीं है कि मतदान कम हुआ है। आप मेरी बात समझे, परसेंटेज और वोट कितने पड़े, यहाँ वोट इतने हैं, अगर मान लिया परसेंटेज कम हो जाए तो भी बाकी जगह से ज्यादा वोट पड़े हुए। मेरे ख्याल से मैंने चेक किया नहीं है कि टोटल वोट कितने पड़े हैं यहाँ पे, वो अगर उठा के देखे, क्योंकि गुड़गांव सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है वोटों के हिसाब से, 25-26 लाख वोट है। मान लिया यहाँ पे 50% भी हो जाए तो जहाँ पे 60% पड़े हैं कम वाले से, तो उससे ज्यादा फिर भी रहेंगे, नंबर ऑफ वोट्स की बात कह रहा हूं मैं। तो देखिए, डेटा के साथ खेलना बड़ा आसान होता है, उसको आप किसी भी फेवर में ले जा सकते हैं और किसी भी तरह मोल्ड कर सकते हैं। अल्टीमेट तो जिस दिन ईवीएम खुलेंगी उस दिन ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि अब की बार 2019 वाला मामला था नहीं, जो लहर थी ना, एक स्वतः स्फूर्त जो मामला होता है, अंडरकरंट कांग्रेस की तरफ था, ये कहने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिए जो हमने देखा। क्योंकि पहले क्या था कि कांग्रेस को कोई गंभीरता से ले नहीं रहा था पिछले दो इलेक्शन में, लेकिन अब की बार क्या है कि अब की बार कांग्रेस को गंभीरता से इसलिए नहीं लिया कि कांग्रेस ने अच्छा वायदा किया हो या और कुछ किया हो। दो कारण हैं जो मैं समझता हूँ। एक तो कांग्रेस का जो कैंडिडेट का सिलेक्शन, इन्होंने इनके पास जो सिलेक्शन हो सकता था उसमें इन्होंने अच्छे से अच्छा किया है जो मैं मानता हूँ। दूसरा ये था कि बीजेपी से जो उदास हुए हैं
विरक्त हुए हैं जो वोटर, तो उनको कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह का ये माहौल बना है। अजय जी, जिस तरीके से अमित जी भी कह रहे हैं कि पिछली दफा बहुत आसानी से जिस तरह से बीजेपी क्लीन स्वीप करने में सफल हुई थी, अब की बार सिचुएशन वैसी तो नहीं नजर आ रही है और इसके बहुत सारे कारण भी गिनवा रहे हैं, आपकी नजर में क्या ये स्थिति इस वक्त, आप क्या पिक्चर देख रहे हैं लोकसभा चुनाव की हरियाणा में? बिल्कुल ठीक बात है कि पिछली बार खासतौर पर पुलवामा अटैक के बाद लोगों में रुझान था बीजेपी की तरफ ज्यादा, और जो यूथ था जो 2016 में बीजेपी से जुड़ा था उसको ये लग रहा था कि 2019 में भी हमारे को नौकरियां मिलेंगी ज्यादा से ज्यादा, जबकि 2014 में भी नहीं मिली थी, 2019 में एक उम्मीद थी, परंतु जैसे ही 2019 भी निकलने लगा 22-23 आगे, तो ये यूथ थोड़ा सा निराश हो गया। आपने मोदी जी की रैलियां या बीजेपी की रैलियां देखी होंगी हरियाणा के अंदर, अमित शाह जी भी आए, मोदी जी भी आए और राजनाथ भी आए, इन रैलियों में उस तरह का जोश नहीं था, जोश इसलिए नहीं था कि यूथ उन रैलियों से गायब था, और कांग्रेस इन मुद्दों को बड़ी तरीके से उठा रही थी, खासतौर पर अग्निवीर का मुद्दा और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए उन्होंने न्याय अपना जो पत्र लाए उसके अंदर उन्होंने 1,00,000 रुपए की बात कही, और फिर जो SC वोटर था उसके लिए उन्होंने कहा भी हम इनको भी ये देंगे, उस जो PPL से नीचे के लोग हैं महिलाएं हैं उनके लिए 1,00,000 रुपए की बात, ये कांग्रेस सबकी बार कामयाब रही लोगों के गले में उतारने, और खासतौर पर जब ये बात गले उतर गई तो जो गरीब तबका था जो पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरह से झुका हुआ था, खासतौर पर जब इनको 4 किलो अनाज की बात आती थी तो इन्होंने 10 किलो अनाज की बात की कांग्रेस ने, तो ये चीजें सारी की सारी कांग्रेस के फेवर में जा रही, और भारतीय जनता पार्टी से जो उनको उम्मीद थी वो पूरी नहीं होती दिखाई दे रही थी, और उसके ऊपर जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन जिन जिन जिलों में था, अब आप वोटिंग पैटर्न देखो, जिन जिलों में किसान आंदोलन तेजी में था उनमें से 80-90% के अंदर वोटिंग ज्यादा हो, यमुनानगर की भी खासतौर पर जो सटोरा नारायणगढ़ आपकी तहसील है उनके अंदर वोटिंग बहुत ज्यादा, जगाधरी क्योंकि इसी प्रकार सरसा के अंदर वोटिंग है, तो सरसा में भी किसान आंदोलन चरम पे था क्योंकि पंजाब के साथ लगता हुआ इलाका, भिवानी की भी जैसे लोहारू है, लोहारू में 70% के आसपास पोल हुआ है, तो यहाँ पर किसान आंदोलन का असर था, जींद के सोनीपत में भी आप फिर आओगे तो वहां सोनीपत शहर को छोड़ दो आप, फिर सफीदों जुलाना और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हो वहां भी 68-69 तक गई, ये साबित हुआ कि ओवरऑल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान था वो कहीं कम हुआ, और जहां वोटिंग ज्यादा हुई वहां विरोध ज्यादा था, वहां किसान आंदोलन का स्पष्ट असर था, तो वहां पोलिंग ज्यादा होती रही, अंबाला की भी आप कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखो पोलिंग बहुत ज्यादा है, करनाल के अंदर अब आप जितने भी शहर ले लो हरियाणा, आप भिवानी लो, हिसार है आपका, सोनीपत है, रोहतक है, सभी प्रॉपर सिटीज के अंदर आपकी पोलिंग जो बेसिक वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में वो ज्यादा लाइक करता था सिटीज, पोलिंग कम होती थी, तो ये जो मुकाबले को बड़ा बना दिया, आज ये स्थिति आ गई है कि हरियाणा की लगभग 10 मुकाबला 10 सीटों पे है, आप ये नहीं कह सकते ठीक है कि कुछ सीटों लेकिन, पे लेकिन मुख्य मुख्य मुकाबला कहाँ देख रहे हैं अजय जी आप? देखो जहाँ तक रोहतक और आपका करनाल है, सरसा है, गुड़गावा है, यहाँ एज दिखाई देते हैं, तो इसके बाद जितनी भी सीटें हैं आप देखो भिवानी में आ जाओ, आप अंबाला में जाते हो, आप कुरुक्षेत्र में हो, आप सोनीपत में हो, आप हिसार में हो, तो इन सभी सीटों पर आप तो टफ कंटेस्ट दिखाई देगा, तो ये सारी सीटें किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं हर प्रकार से, तो यहाँ पोलिंग भी अच्छी हो रही है, तो ग्रामीण इलाकों में पोलिंग ज्यादा है, शहरी इलाकों में पोलिंग हर जगह कम है जी। तो इसने जो भारतीय जनता पार्टी को 55-65% तक पोल मिला था 2019 का, आप उनका डाटा उठा के देखोगे तो कहीं 55% होता कहीं पोलिंग 3-5% कम हो रही है पहले, तो
ठीक है। अमित जी, अमित जी, अजय जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जो किसान आंदोलन का असर है, जो इम्पैक्ट है, वो कई इलाकों में बहुत ज्यादा देखने को मिला है और वो वोटिंग परसेंटाइल में हमें दिखा भी है। जो रूरल एरियाज हैं वहां पर साफ तौर पर वोटिंग परसेंटाइल बढ़ा है और वो कई ऐसे मुद्दे जिन्होंने जोर पकड़े पिछले कुछ समय से जो डोमिनेटेड रहे हैं वो वोट में तब्दील हुए भी हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसे कौन से इश्यूज आप देखते हैं जो जिन्होंने इम्पैक्ट किया इस इलेक्शन को? मोटा मोटा तो यही है। पहली बात तो ये है कि सत्ताधारी दल के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है ना, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो मुद्दा मल्होत्रा जी ने बताया, वो बहुत वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके लिए बीजेपी ने हालांकि गोल बदला अपना, आपने देखा होगा बड़ी चतुराई से कि अब ये 2047 की बात करने लगी। वो जो गोल पोस्ट चेंज किया वो इसी के कारण किया कि जो निराशा है लोगों में, वोटर्स में, तो वो एक तरह से उनको रोका जा सके, भाई 2047 तक तुम रुको, फिर हम तुम्हें ये देंगे, तो तब तक कोई रुकने वाला नहीं है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर आई लोगों की, और यूथ था वो अब की बार अब बिल्कुल खिलाफ था बीजेपी के। ये बात बिल्कुल सही कही है मल्होत्रा जी ने। और उसके साथ भी एक जो कॉम्बिनेशन बना जिसका किसान आंदोलन को श्रेय जाता है। अच्छा अमित जी, आपको बीच में रोक के मैं, किसान मजदूर, नए वोटर की भी बात, हम यूथ की भी हम बात कर रहे हैं। नए वोटर्स एक बड़े अच्छे भूमिका में होते हैं किसी भी चुनाव में। हरियाणा के लिहाज से अगर हम देखें तो जो नया वोटर एक डिसअपॉइंटेड सिचुएशन में आया, या उन्होंने वोट नहीं डाला, डाला तो फिर उन्होंने क्या कांग्रेस पार्टी को वोट डाला, वो किस पोजिशन में दिख रहे हैं आपको? वो कितनी तब्दीली ला सकने की गुंजाइश दिख रही है? नहीं नहीं सुनो, नया वोटर पे इतना इम्पैक्ट नहीं है। आप इसमें ये देखो कि 2014 में जिसने 18 साल के बच्चे ने वोट किया था वो सीधा सीधा 28 साल का हो गया है। सबसे ज्यादा निराशा उनको है, नए को तो पता ही नहीं है कि आपके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है ना। वो तो अभी कतार में खड़ा होगा, जो कतार में पहले खड़े थे जिन्होंने 2014 में वोट कास्ट किया था, 2019 में वोट कास्ट किया था, वो 28, 29, 30, 31 साल के हो चुके हैं। अमित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए अमित जी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखिए, अगर आप ग्राफिक्स पर भी नज़र डालें तो फिलहाल जो सिचुएशन हरियाणा में, जो वोटिंग परसेंटाइल सामने आया है, लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस इलेक्शन को प्रभावित किया है, कहाँ कितना असर दिखाई दिया है और क्या जिन मुद्दों को जोर शोर से बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही थी क्या वो उतना कामयाब हो पाई, क्या कांग्रेस को उन मुद्दों का फ़ायदा मिला जिनको उन्होंने बहुत जोरों शोरों से उठाया, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, वो कितना इम्प्लीमेंटेड रहा और कितना उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह के जो एक पल पल बदलती तस्वीर नजर आ रही है, उससे ये जरूर साफ हो जाता है कि चुनाव बेहद दिलचस्प है। अभी सिचुएशन वैसी नहीं है जो एक तरफा क्लीन स्वीप की बात कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कही गई, और पिछले दो चुनावों का अगर हम रिजल्ट भी देखते हैं और जो बंपर वोटिंग देखते हैं उसमें सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा था। लेकिन इस वक्त कांग्रेस को भी उम्मीद है किन सीटों पर कांग्रेस अपना, जिन सीटों पर पलड़ा भारी रखे हुए है, क्या वो उनको अपने पाले में कर पाती है या फिर बीजेपी जो दावे कर रही है वो दावे सच साबित होते दिखाई देते हैं, ये 4 जून का नतीजा बताएगा। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर। I love it. जब भी आप